Red Weekend Stash. Red Weekend Stash. कॉम्प्लीमेंट्स का बाप आई एम गोइंग टू गिव पौने 11 बजे का शो संडे रात को पौने 11 बजे कोई भी मूवी नहीं देखता क्योंकि सबको सुबह उठ के जाना होता है काम पे मंडे को, लेकिन पौने 11 बजे की भी पीकू की टिकट नहीं मिली, इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैं इरफान खान को नहीं दे सकता था। ऑलराइट रेड एफएम पर वेलकम सर, वेलकम पीकू, मतलब छा गए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे अच्छी फीलिंग नहीं होती जब आपकी फिल्म की टिकट आप ही को ना मिल रही। आपको भी नहीं मिली? मेरे बच्चे जाने जा रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया अच्छा कौन जाएगा क्या होगा, जितने टिकट बाकी हैं जितनी देर में 5 मिनट बाद लौटे टिकट जा चुके थे। अच्छा, सो टिकट की मारामारी जब होती है तो खुशी होती है बहुत। अच्छा बाय द वे आपने सब जो है इंडियन ऑडियंस को डेडिकेट कर दिया बिकॉज आपने बोला इंटेलिजेंट सिनेमा जीत गया एंड ऑल दैट। और जी 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 तो जीत गया विद्या नहीं बोला, मैं कोई झंडा लेके नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये इंडिया में इंटेलिजेंट ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मतलब क्या है ना सर, मुझे सिर्फ एक डाउट आपसे पूछना था, ये पीकू ये पहली मूवी है जिसमें दीपिका को नहीं किस किया गया और अमिताभ बच्चन जी को किस किया गया, आपने, मैंने देखा जब शूटिंग खत्म हुई आपने बच्चन साहब को किस किया? नहीं तो दीपिका को करते तो आप तो पता नहीं क्या कर देते। लेकिन बच्चन साहब को किस करने की फीलिंग कैसी थी, बिकॉज आपने खुद बोला मैं किस करूंगा आपको, इससे अच्छा तो नहीं हो सकता। नहीं, बहुत खूबसूरत एहसास था पूरे फिल्म का। आए, आए। आप इतना वेट क्यों लूज कर रहे हो? आप मेरा वेट 2 किलो बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हो, आपको ऐसे देख के लगता है कुछ कमीजें आपको और दीपिका दोनों को फिट आ जाएंगी। सच में एक्चुअली तुम अपना गिल धोने की कोशिश कर रहे हो। बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा पतले हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको आप लोग ऐसे देख के सोचते हो यार मैं ये कब बोलूंगा, ये लोग मुझे कब बोलेंगे।